व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार दोबारा से नूडल का एक केक लेके आई हूँ। आपको होपफुली बहुत पसंद आएगा और आप इसको अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और एज अ टी स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दो अंडे ले लिए हैं और उनको जो है फेंक लिए। अब इसमें जो है हाफ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून ही नमक ऐड करेंगे और इसके साथ जो है हमने अपने जो है वो टेस्ट मेकर जो थे हमारे, हमने वो ऐड कर लिए। और अब हरा धनिया और हरी मिर्चें, दो हरी मिर्चें ले लें वो ऐड कर लें और अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके साथ हमने जो है मैंने ये तीन छोटे आलू लेके उनको बॉईल करके मैश कर लिए। ये देखिए अच्छे से मैश कर लेना आपने। और मैंने दो नूडल्स के पैकेट ले लिए थे, उनको बॉईल किया है। मैंने लिए चिकन वाले पैकेट, आप चाहें तो वो चटपटा भी ले सकते हैं और टेस्ट अपने अकॉर्डिंग टू चॉइस ले सकते हैं। नूडल्स हमारे बॉईल हो गए हैं। अब जो है ये जो मैश्ड आलू थे इनके अंदर नूडल्स ऐड करने, बॉयल्ड नूडल। और साथ में जो है अंडे के साथ जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको इसमें डाल देना और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करने चाहिए कि सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएं। पैन में जो है 1 टीस्पून ऑयल लेके उसको अच्छे से जो है फैला लिए। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर सारा मिक्सचर हम डालेंगे। ये देखिए, और अच्छे से इसको पैन में फैला लेना है। मैंने पहले भी नूडल्स के साथ और भी रेसिपीज़ बनाई हैं। पहले मैंने नमकीन केक भी बनाया था और क्रीमी नूडल केक भी बनाया था। तो इस तरह की आप चीज़ें देखा करें और बनाया करें। इसके साथ में डिस्क्रिप्शन में जो है अपने वो दोनों नूडल्स की जो हमने पहले मैंने बनाई हैं रेसिपीज़, उनकी जो है मैं लिंक भी डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से वो भी देख सकते हैं। अब जो है इसको कवर कर देंगे और जो है हमने फ्लेम जो है वो मीडियम स्लो रखनी है। मीडियम स्लो पे आपने जो है इसको कवर करके लीड करके हमने रख देना है। 5 मिनट हम इसको देंगे। अब जो है इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी साइड के लिए यूँ प्लेट रख के पैन को पलट दें और ध्यान से अपना हाथ मत चला लीजिएगा। ये देखिए, और इसको इस तरह वापस कर देंगे। देख रहे हैं इसकी कलर कितना प्यारा आया और खुशबू इसकी बहुत अमेजिंग खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी बनेगा ये, ज़रूर ट्राई करें। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह हम कवर करके रख देंगे। और दूसरी साइड को आपने इतनी देर नहीं रखना, उसको 2 से 3 मिनट बहुत होंगे, तो उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, ये ना वो साइड जल जाए। अब जो है इसके 3 मिनट मैंने दिए है और अब जो है ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसको बाहर निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे। ये देखें और आप इसका कलर देखें कितना प्यारा टेक्सचर आ रहा है। और ये मैंने कट कर लिया, देखें इसको, ये देखें गर्म बहुत है पर ये देखें इसको, ये बहुत ही मज़े का बनेगा, ज़रूर ट्राई करें। होपफुली आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो है मेरे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और रेसिपी को शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुदा आपके साथ हो, आप लोगों की हिफाजत करें। आमीन।